नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोहित केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अब अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे एल्कीन्स। अपन ने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पार्ट, देन आएगा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आएगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स और गुओ ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, गुओ ब्लैंक रिडक्शन जैसा कि नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है, ये रिडक्शन किया जाता है, एक तो होता है कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, या जिसको कह सकते हो आप हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और उसके साथ कैटलिस्ट जो प्रेजेंट रहते हैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, और इससे अपने को अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ RCHO, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, निकल प्लेटिनम पैलेडियम किसी की भी उपस्थिति रख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2OH, ठीक है, जो कि एक अल्कोहल है। और यदि मैं यहाँ पे कीटोन लेता हूँ जैसे RCOR, और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है इन्हीं की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। ये एक प्राइमरी अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किया जाता है एल्डिहाइड्स का, तो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं, और जब कीटोन्स का किया जाता है तो वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इनकी जगह जैसे ये, या तो ये यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे NaBH4, LiAl(H4), NaBH4 और LiAl(H4), ये दोनों बहुत ही पॉपुलर और वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें इस रिड्यूसिंग एजेंट को एल्कोहल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, एल्कोहल फैक्ट्री। ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा एल्कोहल। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स हैं जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो भी दूसरों को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ये अपने रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट में भी यहाँ पे प्राइमरी जो अल्कोहल्स हैं वो मिलते हैं अपने को एल्डिहाइड से, और सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाए जाते हैं आपके कीटोन्स। ठीक है, तो एक तो इस तरीका हो जाता है ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें एक तो आता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन और एक आता है वाया यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे दो मेथड्स आ जाते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे अपन ने यहाँ पे कीटोन ले लिया RCOR, ठीक है, यहाँ पे R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप। तो जैसे RCOR की रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, LiAl(H4) के साथ, तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, तो ये रिएक्शन होती है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे हालांकि बहुत ही इजी है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ये ढंग है, मतलब इसको यदि आपको समझना है या यदि आपको याद रखना है तो इसमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, इसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, और कंटिन्यू अगर आप पढ़ते रहोगे तो ये इजीली अपने को सॉल्व हो जाती है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, तो सबसे पहली बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसे, RCOOH से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है, और RCOOR से रिप्रेजेंट किया जाता है एस्टर को। ये COOH ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और COOR जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कैसे किया जाता है उसके लिए अपन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का तरीका है RCOOH और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में LiAl(H4)
और एच टू, और यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आर सी एच टू ओ एच, ओके आर सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहां पे बनता है रिड्यूस होने के बाद। अब बात ये होती है कि ये जो LiLH4 है यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोला क्या जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो इसको स्पेसिफिक रिएक्शंस में ही यूज किया जाता है, हर जगह आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल मतलब ज्यादा अमाउंट में यहां पे व्यावसायिक उत्पादन, तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस इसको एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, इस एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दिया जाता है, उसके बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन में जब देखा जाता है तो आर सी ओ एच, और जब इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करवाई जाती है, ठीक है, तब ये बनाएगा आर सी ओ आर जो कि एक एस्टर है, और इस एस्टर की जब रिएक्शन करवाई जाती है आगे फर्दर हाइड्रोजन के साथ और कोई भी कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेगा, कैटलिस्ट हमेशा फाइनली पाउडर्ड यूज किए जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैटलिस्ट को हमेशा फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, डायरेक्ट ऐसे सॉलिडिफाइड फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, ठीक है, बिल्कुल फाइन पाउडर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन फास्ट होती है। अच्छा, कैटलिस्ट का फाइन पाउडर का होना उसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ाता है, कैटलिस्ट जो होता है वो यहाँ पे रिएक्शन में एरिया प्रोवाइड करवाता है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स जाके ऐड होते हैं और रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर उसका फाइनली पाउडर होगा तो वहां पे सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा और कैटलिस्ट का जो कह सकते हैं यूज ज्यादा हो जाएगा, उसका कह सकते हैं प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना। यहाँ पे ये यूज किया जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, ये इसको इस तरीके से कट कर देते हैं ना, एक प्रोडक्ट बनेगा आपके यहाँ पे आर सी एच टू ओ एच और एक प्रोडक्ट बनेगा आर डैस ओ एच, दो तरह के अल्कोहल्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी दोनों मोनोहाइड्रिक है, प्राइमरी अल्कोहल्स है, तो ये इस तरीके से अपने का कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, क्योंकि LiLH4 क्या है, एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो आप इसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते या ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं कर सकते, और अगर आप ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो आपकी जो लागत है वो ज्यादा हो जाती है, और लागत ज्यादा होने का मतलब है व्यावसायिक उत्पादन में घाटा। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो किया जाता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और एस्टर में कन्वर्ट करके और उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक इजी प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो ये बात हो जाती है अपने पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद एक रिएक्शन आती है बुओ ब्लांक रिडक्शन, इसको बोला जाता है बुओ ब्लांक रिडक्शन। बुओ ब्लांक रिडक्शन हालांकि सेम ही टाइप का रिडक्शन है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट अलग यूज किए जाते हैं। बुओ ब्लांक रिडक्शन की जब बात करेंगे आप, तो बुओ ब्लांक रिडक्शन होता है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कोई भी है, ये रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में। ये एक रिएजेंट होता है सोडियम इथेनॉल, ठीक है, सोडियम मेटल और इथेनॉल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो यहां पे प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो बुओ ब्लांक रिडक्शन में एक ही थिंग मतलब अलग है, वो है सोडियम और ईटीओएच। इथेनॉल को क्या लिखा जाता है, ईटीओएच लिखा जाता है। ईटी यहाँ पे इथाइल को रिप्रेजेंट करता है, C2H5 को। तो ईटीओएच और C2H5OH दोनों सेम है, आजकल ये एब्रिविएशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके कह सकते हो, आप आगे कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह देखोगे तो वहां पे ईटी लिखा हुआ आएगा, ME लिखा हुआ आएगा, OSE लिखा हुआ आएगा, बट ऐसे नहीं लिखे आएंगे C2H5, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, आजकल ईटी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन पहले रफ करते हैं, इसको थोड़ा सा पार्ट रफ करते हैं, देन रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। बहुत ही सिंपल है वैसे, जैसे आर ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया सिंगल बॉन्ड ओ, और ये हो गया आर डैश, ये एक एस्टर फॉर्मूला है,
आर सी ओ ओ आर है ना। और जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, सोडियम और ETOH, ठीक है। ETOH यहाँ पे क्या है, एक इथाइन का इथेनॉल है, इथेनॉल को लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, आर सी एच टू ओ एच और उसके साथ प्रोडक्ट बनेगा आर डैश ओ एच। ये प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, दो प्रोडक्ट बन गए इतने, एक तो हो गया ये आर सी एच टू एच आर ओ एच, एस्टर से यही प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट सेम रहेंगे, रिएक्टेंट सेम रहेगा, बट जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो एजेंट यूज कर रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे NaATOH होती है तो वो प्लांक रिडक्शन है, अगर उसकी जगह मेटल्स एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से अल्कोहल बनाया जाता है, जिसको मैं रफ कर रहा हूं, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि अल्कोहल को गिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले तो यही बात आती है गिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो पहले अपन उसको पढ़ेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि उससे अल्कोहल कैसे बनाते हैं। अच्छा, पहले अपन थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसको कॉमन वे में रिप्रेजेंट किया जाता है RMgX। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहां पे मेटल और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, मेटल और कार्बन, और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक एग्जांपल है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स, जिसमें आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत ही ज्यादा यूज है, ठीक है, और इसको एल्कोहल प्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे क्या होता है कि आर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, बट यहां पे आर जो है वो आपका होता है पार्शियली नेगेटिव, और MgX जो ये मेटल वाला पार्ट है ये होता है आपका पार्शियली पॉजिटिव। तो आपको पूरी रिएक्शंस इन्हीं के बेसिस पे करनी है कि यहां पे आर जो है, जो एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव है और ये MgX वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हालांकि ये भी किसके साथ रिएक्ट करता है, ये भी करता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड सब आते हैं, जिनमें भी ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, सी डबल बॉन्ड को। तो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करता है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनाता है, अल्कोहल। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ रिएक्शन हो रही है RMgX। ये यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा किस पे अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करता है, और ये पॉजिटिव पार्ट है वो करता है ऑक्सीजन पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये अटैक हुआ, देन ये बना आपके पास सी आर ओ और ये MgX। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, जैसा MgX यहाँ पे है और यहाँ पे ये R ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करवाते हैं, अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। हाइड्रोलिसिस को ऐसे भी शो किया जाता है जैसे H2O और H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस को शो किया जा सकता है। तो हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा इसके साथ, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा अपने पास वो ही आएगा कार्बन, और ये हो गया अल्कोहल प्लस MgOHX, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरीके से रिएक्शन शो करता है, किस तरीके से, यहाँ पे R अटैक करेगा कार्बन पे, MgX अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और जब ये रिएक्शन होगी तब ये जो उसके बाद हाइड्रोलिसिस का स्टेप होगा जिसमें MgOHX बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन से यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। अब बात ये आती है कि मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है तब वो बनाता है अपने पास मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल बनेगा उससे, आई थिंक मिथेनॉल बनना चाहिए HCHO, अभी अपन रिएक्शन करके देखेंगे। तो वो रिएक्शन करते हैं, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन होती है और अपने पास प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल।
उसके अलावा अदर एल्डिहाइड्स अपने को अदर एल्कोहल देंगे, और कीटोन्स जो है वो अपने को सेकेंड डिग्री एल्कोहल या थर्ड डिग्री एल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसको, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, तो मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ और उसके बाद इनकी ये वाली रिएक्शन ले रहा हूँ जो मैंने आपको बताई है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, और उसके बाद अदर एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगी। एक बात आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे जितने भी एल्डिहाइड ले रहा हूँ या कीटोन्स ले रहा हूँ तो वहां पे मैं कार्बन ग्रुप मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वहां पे मैं आर मेंशन कर रहा हूँ जो कि एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब आप कोई भी चेन ले सकते हो कार्बन की, है ना। फर्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं NCHO के साथ, जिसको बोलते हैं आप मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। इसके साथ जब आर MCH की रिएक्शन करवाते हैं अपन, आर MCH की रिएक्शन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो कार्बन के साथ तो क्या होगा, आर जुड़ेगा, आर CH2, ये वाला CH2, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, MGX, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब जब इसका क्या करवाया जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये मैंने करवा दिया हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस होते ही क्या होगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास RCH2OH प्लस MgOHX। मतलब प्राइमरी एल्कोहल सिर्फ आपको किससे मिलेगा, मिथेनॉल से। मिथेनॉल का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद आप अदर कोई एल्डिहाइड लेंगे, जैसे RCHO लेते हैं अपन, की बार में इसको थोड़ा ओपन करके बनाते हैं, ये R और R C और ये कहते हैं H और ये हो गया डबल बॉन्ड 2, ये RCHO है। ठीक है, कोई भी अदर एल्डिहाइड लिया है, मिथेनॉल भी लिया है, मिथेनॉल में R की जगह क्या होता है, H होता है, तो एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, तो उसको एल्काइल ग्रुप में क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एथिल एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है RMGX की, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, आर डैश कर देते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव अटैक करेगा इस पे कार्बन पे, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, तो ये अटैक होगा तो ये क्या बनेगा, आर सी, और ये हो जाएगा इसके साथ एक और आर डैश, सी के साथ एच है ही, और ये हो गया ऊपर OMGX, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, सेम ही बात है, ये हाइड्रोलिसिस होते क्या बन जाएगा, आर सी एच आर डैश और OH, मतलब कौन सा एल्कोहल बन रहा है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। मतलब मिथेनॉल जो है वो बनाता है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, उसके अलावा अदर एल्डिहाइड्स क्या बनाएंगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। तो अब अपन देखते हैं कीटोन्स क्या बनाएंगे यहाँ पे, ना कीटोन्स क्या बनाते हैं, तो जब अपन बात करते हैं कीटोन्स की, तो कीटोन्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है, आर ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे आर डबल डैश कर देते हैं इसको अलग करने के लिए, आर डबल डैश MGX, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव वाला पोर्शन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और पॉजिटिव वाला पोर्शन ऑक्सीजन पे। ओके, तो यहाँ पे जो अपने रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी क्या बनेगा, आर, और ये अपने पास क्या है, कार्बन है, ये कार्बन, और ये था आर डैश, इसके साथ और क्या जुड़ जाएगा, आर डबल डैश, और यहां पे जो ऑक्सीजन था उसके साथ क्या आ जाएगा, OMGX। ठीक है, अब ये वाला जो है इसकी अपन क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका, ये मैंने इसका करवा दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होते क्या होगा, ये यहां से यहां पे OH आ जाएगा इसके साथ H आ जाएगा, मतलब यहां पे कौन से टाइप का बन रहा है, डबल डैश आर आर डैश OH, यहाँ पे थर्ड डिग्री एल्कोहल बन रहा है। तो कभी कभी पूछा भी ये जा सकता है कि क्या आप अलग अलग तरह के एल्कोहल्स बना सकते हैं गिग्नार्ड डिटर्जेंट से, तो इसका आंसर होता है यस, तीनों टाइप के एल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है, इसके बाद अपने पास कुछ और रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में क्या किया जाता है, जब भी ईथर की रिएक्शन करवाई जाती है, ईथर की रिएक्शन आप करवाएंगे वाटर के साथ,
ठीक है, ये भी एक एसिड की हाइड्रोलिसिस है, एसिड की प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से एक साइड एच जुड़ जाएगा और एक साइड ओ एच जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे टू आर ओ एच बन जाएंगे। यहाँ पे आर डे सटा देते हैं, तो टू आर ओ एच बन जाएंगे। उसके बाद है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाए जाते हैं, एल्काइल हैलाइड से बनाए जाते हैं कि जब आर एक्स की रिएक्शन करवाई जाती है, किसके साथ, आर एक्स की रिएक्शन करवाई जाती है एल्किलाइज के साथ, है ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन ओ एच, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन ओ एच के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तब यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है आर ओ एच प्लस एन ए एक्स सोडियम हैलाइड्स। ठीक है, तो एक ये होता है, और एक होता है फ्रॉम नाइट्रस एसिड, फ्रॉम नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है क्या, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एच एन ओ टू से। तो यहाँ पे जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं एन एन ओ टू प्लस एच सी एल, एन एन ओ टू प्लस एच सी एल। ठीक है, ये दोनों ही एजेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों एजेंट्स मिलके बनाते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और उसके बाद उससे एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं कैसे होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी नाइट्रस एसिड में, नाइट्रस एसिड में रिएक्शन होती है अपनी एमीन्स के साथ। ठीक है, फ्रॉम नाइट्रस एसिड एमीन, फ्रॉम एमीन्स, एमीन्स भी कौन से, प्राइमरी, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स टू नाइट्रस एसिड। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स की जब रिएक्शन करवाई जाती है नाइट्रस एसिड से तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो प्राइमरी एमीन्स जैसे हो गया अपने पास आर एन एच टू, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप एच एच एन ओ टू, है ना, और एच एन ओ टू बनेगा किससे, एच एन ओ टू बनेगा आपके एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल, दोनों को मिक्स करोगे तो एच एन ओ टू बनेगा। एच एन ओ टू यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज है। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन आर एन एच टू की एच एन ओ टू के साथ करवाई जाती है तब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बनता है अपना आर ओ एच और एन टू और एच टू ओ, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आर ओ एच प्लस एन टू प्लस एच टू ओ। ठीक है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, इसको हालांकि अपन चाहे तो और भी बड़ी करके लिख सकते हैं, जैसे एन ए एन ओ टू और एच सी एल मिलेंगे तब यहाँ पे बनेगा एन टू सी एल। ठीक है, एन टू सी एल बनेगा और उसकी जब रिएक्शन होगी आगे फर्दर तो अपने को एल्कोहल मिलता है। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि जब अपन प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं एच एन ओ टू के साथ तब अपने को क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो ये यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल अपने होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। हार्ड है थोड़ी बट मजा आएगा। ओके, थैंक यू।